संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा में क्यों चल रही है लड़ाई, क्या है पूरा मामला और विवेक बिंद्रा का स्कैम कैसे एक्सपोज हुआ है, आइए समझते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच बहस चल रही है। पूरे इंटरनेट पर दोनों की झगड़ा काफी सुर्खियों में है। जिन्हें नहीं पता हो, संदीप महेश्वरी देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वही डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद को बिजनेस गुरु बताते हैं। ये मार्केटिंग और बिजनेस के गुर सिखाते हैं लोगों को। दरअसल 11 दिसंबर को संदीप महेश्वरी ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में उन्होंने बिग स्कैम एक्सपोज करने का दावा किया। वीडियो में वो बिजनेस सिखाने के नाम पर हजारों रुपए के कोर्स खरीदने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने इसे एक बड़ा स्कैम बताया। वीडियो में वो दो लड़कों से बात कर रहे थे। एक लड़का बताता है कि उसने एक बड़े यूट्यूबर से 50,000 रुपए में कोर्स खरीदा। वहीं दूसरे ने बताया कि उसने इसके बदले 35,000 रुपए दिए। लड़कों ने बताया कि उन्हें इस कोर्स को आगे के लोगों को बेचने के लिए कहा जाता है। ये एक तरह का मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इसके बाद संदीप महेश्वरी ने इसे एक तरह का स्कैम बताया और कहा कि इसे रोका जाना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में संदीप महेश्वरी ने बिजनेस गुरु का नाम नहीं लिया था। जैसे संदीप महेश्वरी की वीडियो वायरल हुई, यहाँ तक भी विवेक बिंद्रा का नाम सामने नहीं आया था। लेकिन इस पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा ने एक पोस्ट किया और संदीप महेश्वरी को खुली चुनौती दे दी। इसके बाद विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी दोनों आमने सामने आ गए। एक्चुअली में विवेक बिंद्रा का बिजनेस क्या है, वो MBA के कोर्स बेचते हैं। बिजनेस में कैसे ग्रो करना है वो सब कोर्स वो बेचते थे। लेकिन इनका स्कैम कैसे चलता था, इन्होंने एक कोर्स 50,000 में बेचा और जैसे ही उस बंदे ने 50,000 में इनसे कोर्स खरीद लिया, 10 दिन बाद उसको वो कोर्स पसंद नहीं आया। वो विवेक बिंद्रा की कंपनी में आया और कहा कि मुझे पैसे दे दो मेरे वापस। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ये कोर्स को आगे 10 लोग को और रेफर करते हैं उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा आपका होगा। ऐसे करके वो बंदा फिर जाता है, अपने 10 लोगों को बेवकूफ बनाता है, वो लोग कोर्स खरीदते हैं, फिर वो लोग पैसा रिफंड मांगते हैं। ऐसे ऐसे चलते चलते इनकी एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जिसे संदीप महेश्वरी ने एक बड़ा सा स्कैम बोला है। और विवेक बिंद्रा के ऊपर एक और आरोप लगाया, उनकी बीवी ने आरोप लगाया है। हाल ही में उनकी शादी हुई थी, उनकी बीवी ने केस किया है कि विवेक बिंद्रा ने उनके ऊपर हाथ उठाया, जिसकी वजह से उनको कम सुनाई देने लग गया है। तो विवेक बिंद्रा के ऊपर एक तरफ संदीप महेश्वरी पड़े हैं और दूसरी तरफ उनकी वाइफ। विवेक बिंद्रा ने भी संदीप महेश्वरी पे बहुत सारे आरोप लगाए हैं। यहाँ पे एक फोटो खिंचवाते हैं, उसमें आप करोड़ों रुपए लेते हैं। ये सब बयानबाजी इंटरनेट पर अभी भी चल रही है। आपकी क्या राय है, कौन सही है कौन गलत है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।